हेलो दोस्तों दोस्तों आजकल विंटर का समय चल रहा है और इस समय में यदि हमारे पास पेड़ पौधे हैं या आप लगाए हो तो उसमें माहू या बहुत बारीक बारीक काले काले कीड़े पत्तियों पे, फूलों के ऊपर और अगर आपकी साग सब्जियां हैं उसके ऊपर ये सब बहुत आ जाते हैं और धीरे धीरे रस चूस लेते हैं और वो नष्ट कर देते हैं। ऐसे तो केमिकल दवाइयाँ बहुत आ रही हैं बाज़ार में, लेकिन अगर आप उसे नहीं मारना चाहते, कोई सब्जी वगैरह है तो आपको हम एक ऑर्गेनिक मेडिसिन बता रहे हैं, दवाई जो आपके घर में उपलब्ध है। तो उसके लिए आपको बहुत कुछ कोशिश नहीं करनी है, आसानी से सब मिल जाता है। तो मैंने सोचा आपको बताऊं, मैं इसे इस्तेमाल करता हूं और अभी बना के भी रखा हूं, आपको दिखाता हूं कैसे बनाया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और कई प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हो, दो तीन तरीके हैं, आपको जो ठीक लगे उसे कर सकते हो। तो हेलो दोस्तों, मैं हरिहर सिंह बोल रहा हूं, हरिहर सिंह इन्फो ट्यूब से। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, हम आज ऑर्गेनिक मेडिसिन दवाई, इंसेक्टिसाइड, सब प्रकार की बीमारियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो नेचुरल इंसेक्टिसाइड जो होती है दवाई, नेचुरल दवाई, ऑर्गेनिक दवाई, किसी भी प्रकार के फूल पौधे हैं, किसी भी प्रकार की सब्जियां हैं, ये सब में बहुत उपयोगी होता है। दोस्तों आपने देखा है विंटर के समय में बहुत छोटे छोटे कीड़े काले कलर के फूल या पत्तियों पर चिपके रहते हैं। दोस्तों एक क्या चीज़ है जिससे आप दवाई बना सकते हो, तो इसके लिए आप संतरे वगैरह तो ले आते हैं बाज़ार से, और ऐसे भी बाज़ार में सिट्रोनिला ऑयल भी मिलता है, संतरे का तेल, लेकिन हम घर पे बनाना बता रहे हैं। तो आप संतरे का छिलका और नीम की पत्ती, संतरे का छिलका, नीम की पत्ती, जैसे कि आप देख रहे हैं ये संतरे का छिलका है और वो नीम की पत्ती है। तो ये फर्टिलाइज़र का भी काम करता है, जो हम तरीके आपको बताएंगे उसमें कुछ तो ऐसा है कि जो फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा और आपके गमले में किसी प्रकार के कीड़े हैं या चींटियां आ रही हैं वो सब बंद हो जाएंगे। तो ऐसे संतरे का छिलका, पहला तरीका हम बता रहे हैं आपको कि संतरे का छिलका सुखा लें और इसे आप, और नीम की पत्ती, या सिर्फ संतरे का छिलका आप सुखा लें, अगर आपके घर में आ रहा है तो सुखा लें, और सुखाने के बाद इसे आप जो है पाउडर बना दें, या नहीं पाउडर बनाना है आपको तो इसको छिलके के सुखा लो। सुखाने के बाद जैसे आप ये गमले देख रहे हैं ना, तो ये गमलों में थोड़ी सी मिट्टी हटा के आप जो छिलका है, ये छिलके को नीचे छोटे छोटे छिलके कर लो, ऐसे वहाँ पे ऐसे रख के ऊपर से मिट्टी रख दो। तो इसकी वजह से मिट्टी के अंदर कोई भी बीमारी है या आपका किसी भी प्रकार का चींटियाँ आ रही हैं, कोई कीड़े मकोड़े हैं, तो नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और आते नहीं। तो ये फर्टिलाइज़र और सड़ेगा तो खाद का भी काम करेगा और दवाई का तो काम करेगा ही, ठीक है दोस्तों। और नीम की पत्ती के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, एक प्रकार के हमारे लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ होती है और इसकी खाद भी बहुत अच्छी बनती है। आपको हम एक और तरीका बताते हैं कि यह दोनों को मिला दिया जाए, नीम की पत्ती और संतरे के छिलके को, तो इसका परिणाम बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कारगर होता है। इसको हम दोनों को मिला के हमें इसको क्या करना है, उबाल लेना है।
जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, ये हमने दोनों को उबाल के रखा हुआ है, ये दिख रहा है आपको, आप देख रहे हैं ये अभी थोड़ा गर्म है, ये देख, इसको उबाल लिया हूँ मैं इसको। ये बहुत ही कारगर है, सबसे आसान है, नीम की पत्ती तोड़ लो और संतरे का छिलका उबाल लो। उबालने के बाद इसका जो पानी है ठंडा करके, आप जैसे ये बोतल देख रहे हैं, ये बोतल है, इसके अंदर आप डाल के इसे इन सारे पौधे जो भी हैं आपके पास सब पे स्प्रे करिए। अगर महीने में एक बार भी आपने कर दिया ना, अब आप ही सोचेंगे कि हमेशा संतरे का छिलका नहीं मिलता, तो सबसे बेस्ट आइडिया है कि जब मिलता है उसे सुखा के रख लो। तो हम आपको दिखाते हैं इसको, और इससे भी बढ़िया कारगर चीज़ है दोस्तों कि अगर आप, जैसे मैंने बताया, अगर आपको ऐसा लगता है कि छिलका बार बार नहीं मिलता, संतरा हमेशा मार्केट में नहीं रहता, तो इसको हम छान लेंगे। दिख रहा है आपको पानी इसका कैसा है, पानी दिख रहा है आपको के अंदर डाल देंगे। दोस्तों ये जो छिलका है ना और नीम की पत्ती, आप देख रहे हैं ना, ये इसको आप फेंकना मत, इसको मिट्टी में दबा देना, मिट्टी हटा के इसको रख के इसे, अभी हम इसमें कुछ दबाए हुए हैं केले का छिलका, हम उसे सुखवाएंगे, हमारे पास जो है सुखवा के पाउडर बनाएंगे अभी। तो अभी हम मिट्टी में नहीं, आपको बता रहे हैं कि आप इसे मिट्टी में मिला सकते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिलता है दोस्तों। दूसरी एक चीज़ और बता दें कि जब भी सीजन आता है संतरे का, तो आप सबसे पहले क्या करें कि जो भी छिलका है उसे सुखा लें, और नीम की पत्ती छाए में सुखाएं, धूप में नहीं, कहीं छाए में रखोगे वो सूख जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आप पाउडर बना के एक बोतल में रख लो, जब भी आपको स्प्रे करना है या आपको डायरेक्ट मिट्टी में डालना है, फर्टिलाइजर लेना है आपको, तो डायरेक्ट मिट्टी में डाल दो, स्प्रे करना है तो आप छान के उसे, तो क्या करना है आपको, एक लीटर पानी में दो चम्मच, दोनों पाउडर मिक्स रहेंगे तो लगभग दो दो चार चम्मच जो है एक लीटर पानी में मिला कर रख दीजिए, और दो दिन आप रखे रहिए उसको, दो दिन के बाद उसे छान के, डिकम्पोज हो जाए, छान के आप स्प्रे करिए। अगर आपको ज़मीन में डालना है तो एक लीटर में एक लीटर पानी और डाइल्यूट करके आप मिट्टी में डाल देना, गमले की मिट्टी हो या ज़मीन में आपका पौधा हो। तो आपको हमने तीन तरीका बताया, एक तरीका इसको छोटे छोटे टुकड़े बना के नीम की पत्ती निकाल के ज़मीन में आप पौधे के चारों तरफ रख के ऊपर से मिट्टी रख दो। दूसरा तरीका है आप इसे उबाल लीजिए, उबाल के दोनों को, और आप स्प्रे करिए। तीसरा तरीका आप पाउडर बना के रख लीजिए, और जब सुखा के, और जब भी आपको लगे कि पौधा कमज़ोर हो रहा है या कोई कीड़े मकोड़े लगे हैं, तो आप उसको दो दिन के लिए भिगो दो चार चम्मच, और फिर उसको आप स्प्रे कर दीजिए, या उसमें एक लीटर पानी में अगर भिगोए हैं तो एक लीटर पानी और मिला दीजिए, और उसको आप पेड़ में डालिए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही काम की चीज़ है, और ऑर्गेनिक है, आपकी सब्जी है या
जो भी आप लगाए बोए हो, छत के टेरिस गार्डनिंग कर रहे हो, तो आपके लिए पूरा वरदान है ये। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दोस्तों, कुछ पूछना चाहें। और दूसरी बात कि अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और बाकी लोगों से प्लीज़ शेयर करना हमारी वीडियो को, और पूरा वीडियो देखना। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, वेलकम दोस्तों।